हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली आज हमने अपना अगला चैप्टर शुरू करना है दैट इज द जुडिशरी हम अपने लीगल पर्सनल के चैप्टर पे हैं दैट इज यूनिट पे सॉरी दैट इज़ इट दिस यूनिट हैज थ्री चैप्टर्स वन इज जुडिशरी द अदर वन इज द बरिस्ट इन सॉलिसटर्स एंड द थर्ड वन इज़ द ले परसनल जिसमें जूरी और मैजिस्ट्रेट्स के जिक्र होता है अभी हमने आ, हम शुरू करते हैं जुडिशरी जुडिशरी का इस लेक्चर में हम सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स वन विल बी द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट सेकेंड वन विल बी द रोल ऑफ द जज एंड थर्ड वन विल बी द इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस अब जो पहला है हम शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन से तो डिफरेंट uh, जजेस की डिफरेंट क्वालिफिकेशंस और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके डिफरेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेवल और जजेस जो हैं वो फॉर्मर बैरिस्टर सोलिस्टर्स भी हो सकते हैं फॉर्मर फेलोज ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं और जो अगले जजेस होते हैं वो फॉर्मर पिछले जजेस भी हो सकते हैं एनी anyway, वे uh, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के बारे में द जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने ये नाम याद रखना है जो वेन एवर यू टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी द जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट और जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन ही है जो जजेस को uh, की सिलेक्शन को एडमिनिस्टर करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू सेलेक्ट फाइव हंड्रेड पीपल ईच ईयर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशल पोस्ट अब ये 500 पीपल ईच ईयर अगर आपको नहीं भी याद रहता कि नंबर तो ठीक है बट रह जाता तो भी गुड अच्छी बात है तो अब ये कमीशन जो है वो एडवर्टीजमेंट कैसे करता है सिलेक्शन एक्सरसाइज की वो अपनी वेबसाइट पे दे देता दे दे है ईमेल मेल न्यूज़ लेटर्स ट्विटर पर दे देता दे दे है और सुपीरियर लेवल जजे के लिए जो कमीशन है सुपीरियर सीनियर लेवल जजस का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो सुपीरियर लेवल जो जिसका है वो कमीशन जो है वो सिलेक्ट करता है कैंडिडेट को और कैंडिडेट को रिकमेंड करता है लॉर्ड चांसलर के पास लॉर्ड चांसलर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर सकता है और रिकमेंडेशन के लिए वापस भेज सकता है पैनल को कह सकता है कि उसको रिकनसिडर करें लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपको पता है कि लॉर्ड चांसलर जो होता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ताल्लुक़ रखता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो पार्लियामेंट uh, वाली साइड में लेजिस्लेशन वाली साइड पे चली जाती है चीज़ ये जुडिशरी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता लॉर्ड चांसलर का इसलिए जो लॉर्ड चांसलर की ये पावर है टू रिजेक्ट कैंडिडेट और आज का द कमीशन टू रिकन्सिडर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि नहीं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ बात है तो ये इन्फ्रिंच करती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तो फिर उसके बाद सेक्शन नाइन्टी फोर सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट टू थाउजेंड फाइव के बाद से अब ये होता है कि जो लॉर्ड चांसलर है वो लॉर्ड चीफ जस्टिस का अग्रीमेंट लाजमी लेगा वेन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट और आस्क फॉर कंसिडरेशन ठीक है तो अब लॉर्ड चांसलर के पास लॉर्ड चीफ जस्टिस का आ, जो है आ, उसकी उसका अग्रीमेंट होना जरूरी है आ, अब वो लॉर्ड चांसलर ख़ुद से नहीं कर सकता ठीक है आ, अब लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑबियसली इज अ जज

कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस बाय कमीशन कमीशन और मस्ट कंसल्ट लॉर्ड चीफ जस्टिस एंड अनदर जज ऑफ इक्वल एक्सपीरियंस बिफोर रिकमेंडिंग कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायर्ड जुडिशियल क्वालिटीज़ क्या हैं ऑब्वियसली रिक्वायर्ड जुडिशल क्वालिटीज के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगा उसके अंदर पर्सनल एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे पर्सनल क्वालिटीज़ आ जाएंगी इंटेग्रिटी आ जाएगी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड आएगा साउंड जजमेंट आएगी डिसाइसिवनेस आएगी ऑब्जेक्टिविटी आएगी विलिंगनेस टू लर्न आएगी अंडरस्टैंड एंड डील फेल्ड आएगा इसमें और अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और एफिशेंसी ये सारा कुछ इसमें आता है आ, ये भी बहुत जरूरी है कैंडिडेट के लिए कि ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ अ गुड कैरेक्टर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन अगर आपके अगेंस्ट होगी तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर द जुडिशल अपॉइंटमेंट हाँ एक एक्सेप्शन है क्रिमिनल कन्विक्शन में वो माइनर मोटरिंग ऑफेंसेस की एक्सेप्शन uh, है लेकिन माइनर मोटरिंग ऑफेंसेस में भी बहुत ज्यादा अगर हो आपकी तो भी आप सेलेक्ट नहीं हो सकते जैसे आर ग्राम स्ट्रॉट स्ट्रॉट जोन जुडिशल अपॉइंटमेंट का एक केस है के जिसके अंदर एप्लीकेंट जो था वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपॉइंट हो, हो रहा था उसके सेवन पेनल्टी पॉइंट्स थे उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे और सिर्फ इस वजह से ये कहा गया हालांकि ये कहा गया था कि ही वॉज एन आउट स्टैंडिंग कैंडिडेट बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसके सेवन पॉइंट्स हैं और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सिक्स पॉइंट्स की है लेकिन उसके जो उसका लाइसेंस है उसके लाइसेंस के ऊपर सेवन पेनल्टी पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इस वजह से वो अपॉइंट नहीं हो सकता वैन ही अपील टू द हाई कोर्ट आई हाई कोर्ट ऑल्सो अप द कमीशन डिसीजन ठीक है तो दिस मतलब ये ये केस शो करता है कि कितने स्ट्रिक्ट और कितना ज़्यादा मेरिट का ख्याल रखा जाता है इनकी इसके ऊपर अपॉइंटमेंट के ऊपर अब जहाँ तक जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात है अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है सबसे पहले जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं जो जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो अपॉइंट होते हैं कहाँ से यहाँ तो एक जज है जो कि कोर्ट ऑफ अपील का जज है या वहाँ से जिनको जो बैरिस्टर या सलिस्टर जो हैं वो उनको फिफ्टीन ईयर्स हो गए हैं सीनियर कोर्ट्स के अंदर अपीयर होते हुए तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अब जब अब आपको पता है कि नॉर्दर्न आईलैंड और स्कॉटलैंड दोनों जो है वो यूके के अंडर ही आती हैं एज कॉलोनीज तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नॉर्दर्न आईलैंड और स्कॉटलैंड का भी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है तो इसलिए कैंडिडेट्स जो हैं नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड से भी अपॉइंट uh, कर किए जा सकते हैं जो कि वहाँ पे अपीयर uh, हो रहे हो हायर कोर्ट्स के अंदर फॉर द लास्ट 15 इयर्स अब जब वो न्यू अपॉइंटमेंट करनी है जजेस ने तो uh, जो सिलेक्शन का मेथड है वो सेट आउट है पार्ट थ्री ऑफ द दिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट टू थाउजेंड फाइव के अंदर वो एडिड uh, है और वो कहता है कि जब भी वैकेंसी होगी तो ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द कोर्ट जो है वो कन्वीन करेगा सुप्रीम कोर्ट सिलेक्शन कमीशन को ये बात के वैकेंसी है कमीशन जो है वो फिर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है और एक और मेंबर ऑफ द जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है आ, वो <coughs> यहाँ का भी हो सकता है जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन स्कॉटलैंड वेल्स का भी स्कॉर्डनर नॉर्दर्न आईलैंड का भी हो सकता है फिर वो कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा कि हमने प्रोसेस कौन सा सिलेक्ट करना है कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा और कैंडिडेट को रिपोर्ट कर देगा लॉर्ड चांसलर को लॉर्ड चांसलर जो है ही हैज टू एक्सेप्ट द कमीशन पर नॉमिनेशन ठीक है लॉर्ड चांसलर देन नोटिफाइज द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर देन रिकमेंड्स द कैंडिडेट टू द क्वीन एंड द क्वीन फॉर्मली देन मेक्स द अपॉइंटमेंट इतने ज़्यादा लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर uh, के जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फिर लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील जो हैं वो भी क्वालिफाइड एज अ सॉलिसटर बैरिस्टर होने चाहिए और जिनका एक्सपीरियंस जो है वो सेवन ईयर्स का हो लास्ट टाइम ला उसका प्रैक्टिस करने का या हाई कोर्ट जजेस भी हो सकते हैं सिलेक्शन uh, का जो प्रोसेस है वो लॉर्ड चांसलर ही स्टार्ट करता है रिक्वेस्टिंग दैट जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन के वो सिलेक्शन पैनल पैनल को कन्वीन करें और एक इंटरव्यू के बाद जो पैनल है वो अपनी सिलेक्शन और रिकमेंडेशन भेज देता है और लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील जो है वो ऑफिशियली अपॉइंट हो जाते हैं बाय द क्वीन ही ठीक हो गया फिर कोर्ट के जजेस आ जाते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड जज उसके लिए यू क्वालिफाइड एज है बैरिस्टर इन लॉ फॉर एटलीस्ट सेवन ईयर्स और यू हैव बीन अर्कट जज फॉर एटलीस्ट टू ईर्यस और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो ज्यादातर बैरिस्टर्स ही बनते हैं ठीक uh, है, हो गया डिप्टी हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो पार्ट टाइम बैठते हैं वो भी होते हैं डिप्टी हाई कोर्ट जजेस भी होते हैं वो पार्ट टाइम बैठते हैं और वो अपॉइंट किए जाते हैं फॉर यू नो इन दिस वे उनकी सूटेबिलिटी टेस्ट हो जाती है यू नो टू बिकम अ प्रॉपर फुल टाइम हाई कोर्ट जज कैंडिडेट्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्टी हाई कोर्ट जज ही हों uh, या क्वींस काउंसिल में ही हों यूजली एक्सपेक्टेड है कि बस प्रीवियस जुडिशल एक्सपीरियंस होना चाहिए एट अ लोअर लेवल और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिमिलर है टू दैट ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील जजेस हाई कोर्ट जजेस आर आल्सो ऑफिशियली नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड आई एम सॉरी नॉट नॉमिनेटेड अपॉइंटेड बाय द क्वीन उसके बाद हम सर्कट जजेस पे आ जाते हैं सर्कट जजेस जो हैं वो अब हाई कोर्ट से नीचे आ गए हैं तो ये अब इन्फीरियर जजेस की बात हो रही लगी है जो एप्लीकेंट है वो क्वालिफाइड हो सकता है एज अ बैरिस्टर और सोलिसटर एंड हैव गेंड एक्सपीरियंस इन लॉ फॉर एटलीस्ट सेवन ईयर्स ही माइड बी रिकॉर्डर एज वेल रिकॉर्डर भी सर्कट जज बन सकते हैं थर्टीन परसेंट ऑफ सर्कट जजेसटर्स इसका मतलब है कि सोलिसटर्स ज़्यादातर सर्कट जजेस बनते हैं कोर्ट एंड लीगल सर्विस एक्ट नाइनटीन नाइन्टी अलाउ करता है एक डिस्ट्रिक्ट जज को कि वो एज अ सर्कट जज हो सकता है अपॉइंट uh, या यू नो प्रमोट हो सकता है uh, मैजिस्ट्रेट या चेयरपर्सन जो है एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल कमीशन का वो एटलीस्ट थ्री ईयर से अगर हो अगर वो मैजिस्ट्रेट है या वो डिस्ट्रिक्ट जज है या वो किसी ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन है एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल का तो एटलीस्ट तीन साल से अगर वो हैं ये काम कर रहे हैं तो वो सर्कट जजेस बनने के एलिजिबल हो सकते हैं और ये प्रोविजन जो है ये वाइड कर देती हैं पूल ऑफ पोटेंशियल जजेस को और ग्रेजुअली यू नो बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो जुडिशरी में आ रहा है और जजे इस लेवल में जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़े पूल से सिलेक्ट किए जाते हैं और यूजल रूट भी कमिंग सर्कट जज जो है वो यही है कि वो क्लोअ लेवल जज हो रिकॉर्डर हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो और फिर अप्लाई करे सर्कट जज बनने के लिए और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिमिलर है हाई कोर्ट जजेस वाला और जितने भी जुडिशल पोस्ट हैं सर्कट जज से बिलो देर इज एन एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस सर्कट जज से नीचे वाले जितने भी जजेस हैं uh, उनके अंदर एक और पॉइंट एडिड है और वो है कि उनका एक ऑनलाइन क्वालिफाइंग टेस्ट होता है उनकी अबिलिटीज टू परफॉर्म जुडिशल रोल्स के लिए तो वो उन्होंने लाजमी देना होता है ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट सर्कट जजेस उससे ऊपर भी नहीं होता फिर रिकॉर्डर्स आ जाते हैं ये पार्ट टाइम पोस्ट है ठीक है जो एप्लीकेंट है वो क्वालिफाइड बैरिस्टर या चाहिए और गेन कर चुका हो एक्सपीरियंस इन लॉ फॉर एटलीस्ट सेवन इयर्स और एप्लीकेंट जो है वो अपॉइंटेड हो जाता है एज अ रिकॉर्डर इन ट्रेनिंग फर्स्ट एंड देन अपॉइंटेड एज अ रिकॉर्डर फिर सबसे नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऊपर इस लेवल पे एप्लीकेशन जो है वो ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ बैरिस्टर सोलिसिटर एंड एंड हैव एक्सपीरियंस इन लॉ फॉर एटलीस्ट फाइव इयर्स ठीक है और हैव बीन अ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज ठीक है और जो वास्ट मजारिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं और काउंटी कोर्ट में वो फॉर्मर सोलिसिटर्स ही होते हैं ज्यादातर और डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है वो मैजस्ट्रेट कोर्ट में भी बैठते हैं ठीक है और एज अ मेजस्ट्रेट कोर्ट भी उनको सेम क्वालिफिकेशन की जरूरत ही होती है डिस्ट्रिक्ट जज जो और मैजस्ट्रेट कोर्ट में भी अगर वो बैठे तो उनको सेम क्वालिफिकेशन की जरूरत ही होती है और ये बड़ी एक यूजअल सी बात है कि ज्यादातर पार्ट टाइम जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना वही बाद में कंसिडर कर लिए जाते हैं फॉर द पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज तो वो या वो ज्यादा इतनी कोई नहीं है ये बड़ी यूज़ुअल सी बात है कि ज्यादातर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं बाद में वो डिस्ट्रिक्ट जजेस बन जाते हैं और अंडर द ट्रिब्यूनल कोर्ट्स एंड एन्फोर्समेंट एक्ट 2007 अब जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जेक्टिव के फेलोज़ हैं वो भी एलिजिबल हैं टू बिकम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जजेस नॉट डिस्ट्रिक्ट जजेस डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जजेस और उसके बाद बाद में जब वो डिप्टी बन जाएंगे तो बाद में वो डिस्ट्रिक्ट जजेस बन सकते हैं और सिस्टम ऑफ सिलेक्शन बाय द जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज लेट टू इम्प्रूव डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी ठीक है जो जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन है वो उसके जो उसका जो उसने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि एक बहुत डाइवर्सिटी आ गई है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में और अब परसेंटेज ऑफ वीमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जजस के अंदर और जो भीम जजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं और भीम का जो है उसका एब्रिवेशन वो मैं नीचे लिख देता हूँ नीचे आ रहा होगा और अब ट्वेंटी थर्टी ईयर्स से अगर हम पहले के से मुकाबला करें और अब का हालात देखें अगर कर कंपेयर करें तो अब बेम जजेस और परसेंटेज ऑफ वुमेन जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है इससे ये साबित होता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड इट इज़ यू नो इम्प्रूविंग द डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है रोल ऑफ जुडिशरी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तब तक के लिए बाय बाय